जहानाबाद ट्रेड यूनियन के आह्वान पर विभिन्न संगठन के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, रसोईया, डाटा ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारी ने भाग लिया, तो वहीं सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। जमुई के झाझा में ग्रेट बाजार मॉल का पिछले 6 महीने से बिजली बिल बकाया होने के कारण विद्युत विभाग ने मॉल में विद्युत सप्लाई को काट दिया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर अभिषेक भट्टाचार्य ने दिशा निर्देश पर शहर में बकाया बिल को लेकर सर्च अभियान चलाया है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया। ग्रेट बाजार का 3,62,000 लमसम रिड्यूस था। कितने दिनों से? बहुत दिनों से। अच्छा, 6 महीने। तो आज क्या विभाग आदेश दिया? आज लाइन डिस्कनेक्ट करने के लिए। कैमूर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि कैमूर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4 लोगों को ट्रैक्टर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं इसके साथ ही 2 चोरी किया हुआ ट्रैक्टर भी बरामद किया है। एक ट्रैक्टर की चोरी हुई थी जिले में और उसको लेकर के इस गिरोह के उद्भेदन के लिए एक टीम बनाई गई थी। इसी क्रम में एक ट्रैक्टर के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था सोनम थाना अंतर्गत। फिर उनकी निशानदेही पर एक अन्य ट्रैक्टर रामगढ़ थाना क्षेत्र से बरामद हुआ है और 2 अन्य व्यक्ति जो एक बक्सर के रहने वाले हैं, एक और यूपी के रहने वाले हैं जो मोहनिया में छुप के रह रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। कुल 4 की गिरफ्तारी हुई है और 2 चोरी के ट्रैक्टर जो एक यूपी के सैयद रजा थाने से और एक औरंगाबाद जिले से चोरी की गई थी बरामद हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की संभावना को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में रोहतास के डेहरी इलाके में SDM और ASP ने संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क का उपयोग करने की नसीहत दी। इस दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंसों का उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला। दरभंगा कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल बाबू झा ने राज्य सरकार के सामने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि सामान्य काम के बदले समान वेतन दिया जाए और संविदा पर बहाल कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। वहीं इस दौरान कर्मचारी संघ ने पैदल प्रतिवाद मार्च निकाला। महासंघ के आह्वान पर सेंट्रल ट्रेड यूनियन एवं स्वतंत्र फेडरेशनों के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी अपने मांगों को लेकर के, हमारी मांग है नई पेंशन योजना वापस लो, पुराना पेंशन चालू करो, संविदा पर बहाल कर्मियों को सभी को आप केंद्र के समान काम के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, समान काम का समान वेतन दे, रिक्त पदों पर बेरोजगारों को बहाल करें, आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जाए संस्थानों में, वहां के कर्मचारियों को सरकारी सेवा घोषित करें और वेतन साधु रेगुलर करें। इन सवालों को लेकर के हमारा यह कार्यक्रम है और खास करके आज प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को संलेख देंगे, जो हमारी मांग है 9 सूत्री, उस सूत्री मांग को पूरा कीजिए और ठेका संविदा को समाप्त कर रिक्त पदों पर सभी बेरोजगारों को बहाल कीजिए, पदों को समाप्त करना बंद कीजिए, देश का निजीकरण करना बंद कीजिए। निजीकरण आज रेलवे का हो रहा है, बैंक का हो रहा है, सब जगह हो रहा है, जिसके खिलाफ यह आंदोलन। गया में DM अभिषेक सिंह के द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के जरिए दिव्यांगों को ट्राई साइकिल दिया गया। आपको बता दें कि 80% या इससे ज्यादा वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दिव्यांगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। तो काफी दिनों से यार मुझे याद नहीं है गया में इसके पहले कब इतनी बड़ी संख्या में मोटराइज्ड बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल दिव्यांगजनों को दिया गया था, लेकिन काफी समय से इसकी एक डिमांड थी और खासकर ऐसे हमारे दिव्यांग बंधु जिनकी विकलांगता ज्यादा है, 80% से ज्यादा है, कुछ न कुछ कार्य करना चाहते हैं, डेली घरों से निकलना है और अपने वर्क कार्यस्थल तक जाना है, डेली वापस आना है और कार्यस्थल दूर है, उनके लिए जो नॉर्मल मैकेनिकल ट्राईसाइकिल होता है उससे जाना बहुत मुश्किल होता था, काफ़ी परिश्रम होता था और इस पर हम लोगों ने वर्कआउट किया और गया जिला में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड होता है उसमें ये प्रावधान था। आने जाने का सुविधा ठीक हो गया और जाएंगे पढ़ाने, मान लीजिए टीचिंग करेंगे, दूर दूर कॉलेज रहता है। आप कितनी पढ़े लिखे? बीएड कर चुके हैं। ये करने में, अपनी पढ़ाई करने में तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो फिर आगे क्या करना है? आगे और पढ़ना है और आगे जॉब करना है।